नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। बुलंदशहर, कलयुगी बेटों ने संपत्ति के लालच में पीट पीट कर पिता की हत्या की। अगौता थाना पुलिस ने दो पुत्रों सहित तीन खिलाफ की रिपोर्ट दर्ज। हत्यारोपी एक पुत्र व उसका साला गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। अगौता थाना क्षेत्र के अकबरपुर रैनागंव का है मामला। बाइट एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी, बुलंदशहर। सर, अगौता थाना क्षेत्र में एक जो हत्या हुई है उसमें क्या अपडेट है सर? अगौता में कल एक सूचना आई थी, अकबरपुर रैना का एक सतीश नामक व्यक्ति है जिसको कुछ लोगों ने मारपीट के घायल कर दिया है और उसको अस्पताल भेजा गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाने वाले वहां पर गए, पता चला कि उसके खुद के लड़कों द्वारा और उसके एक रिश्तेदार द्वारा उससे मारपीट की गई थी। उस मारपीट से घायल हुआ था जिसकी अस्पताल जाने के दौरान मृत्यु हो गई है। उनसे तहरीर प्राप्त हो गई है, उनके परिजनों से अभियोग पंजीत कर लिया गया है, उसमें से गिरफ्तारी भी कर ली गई है और अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। जो गिरफ्तार हुआ उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आला कत्ल बरामद हुआ सर? नहीं, आला कत्ल उनके द्वारा एक बेसबॉल जो का बैट होता है उससे उसको किया गया था, उसके प्रयास किया जा रहा है, कोई बरामद कर लिया जा रहा है। ये पारिवारिक विवाद था, इसमें इन्होंने कुछ गन्ने काटे, गन्ने काटने के बाद वो ट्रॉली को जोड़ के ले गए और पीछे से इसके जो लड़के हैं, ये मेरा भाई है सतीश और ये हमारे भतीजे हैं जो राहुल और ये पोरस और एक उनका साला है राहुल का, ये ललित, ये पीछे से डंडे वगैरह लेके और ट्रैक्टर लेके गए और ये कलेसर पर गन्ने जिता रहे थे। हमारे जो भाई है सतीश सिंह और इन्होंने जाके उस पर वारदात कर दी, डंडों से उसके सिर को पीट दिया और उसकी घटना। और ये जी इसी में हम उसे बुलंदशहर लेके पहुँचे, मौके पर पुलिस भी पहुँच गई ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ जाके एम्स के लिए रेफर कर दिया, वहाँ उसकी घटना मृत्यु हो गई। तो आपने FIR? हाँ, FIR करा दी है, तीनों, एक को गिरफ्तार कर लिया है, एक बंद है थाने में और दो ही फरार है, पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। बुलंदशहर से संवाददाता इकराम खान की रिपोर्ट, चीफ रिपोर्टर इंतजार सलमानी।